जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो पीछे है, यह कोई अलग जगह नहीं है, ये दीपक नाबंग लिविंग होम, होम फॉर नो होम, ये सिंकी पार्क ईटानगर पे है। और मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद रहा कि लास्ट ईयर मैंने एक व्यक्ति को मैंने यहाँ पे लेके आया था, उनका नाम दुर्गा छेत्री है। और उनका कुछ प्रॉब्लम यह था कि उनका कोई बैकग्राउंड, कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं था सगाली, वो सगाली से था, तो सगाली में उनका फैमिली नहीं होने के कारण से वो मेडिकल का ग्राउंड में था, वो काफ़ी पैरालाइज और कुछ बोल भी नहीं सकता था और कुछ चल भी नहीं पाता था और कुछ खा भी नहीं पाता था। तो उनको हमने काफ़ी उनका फैमिली से बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई उनका फैमिली नहीं मिलने के कारण से तो उनको मेडिकल लेके गया था। तो मेडिकल में जाके उनको दिखाया, तो उनको देखने के लिए, उनको जो बाथरूम ले जाना, उनको खिलाना पिलाना के लिए, उनका लिए कोई फैमिली होना चाहिए था, लेकिन कोई फैमिली नहीं होने के कारण से तो हम लोग ने क्या किया, एक मेरा दोस्त और हम लोग तीन चार दोस्त मिल के हम लोग ने दीपक सर को फ़ोन किया। और दीपक सर को फ़ोन करने के बाद हम लोग उनको बात किया कि ऐसे ऐसे कुछ व्यक्ति हैं और आपका मदद चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं दीपक सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनकी बदौलत आज यहाँ पे वो यहाँ पे रह के वो ठीक हो पाया। और डॉक्टर को, डॉक्टर ने भी ये कहा था कि उनको ये तो उम्मीद नहीं उनका बचने का, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेके आने के कारण से, दीपक सर लिविंग होम यहाँ पे लेके आने के कारण से वो यहाँ पे अभी ठीक है, चल पाता है, खा पाता है, और उससे ही हम यहाँ पे मिलने के लिए आए। मेरा यहाँ पे आने का ये यही मकसद था कि जो दुर्गा छेत्री है, जो सगाली से है, तो आज उनको ही मिलने यहाँ पे हम आए हैं। और उनको ये याद नहीं है कि वो यहाँ पे किस तरह से वो आए हैं और उनका जो कंडीशन किस तरह से था, वो उसको खुद याद नहीं है। तो हमने जैसे ही हमने दीपक सर को हमने कांटेक्ट किया, मेरा दोस्तों को मिलके तो बात किया, तो उनको हमने बताया उसका कहानी को कि उनका कोई बैकग्राउंड, कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं है, वो मेडिकल में सीरियस कंडीशन में है, पैरालाइज जैसे वो था। तो सर को जैसे ही कॉन्टेक्ट करते किया तो सर ने बोला ठीक है लेके आओ। तो हम लोग ने मिल के यहाँ पे लेके आया। आज वो सीधा ये पाँव में खड़ा है, दो पाँव में खड़ा है, चल पा रहा है, खा पी रहा है, अभी आराम से घूम पा रहा है। अब ये है दुर्गा छेत्री है इनका नाम जो है, लेकिन अब ये यहाँ पे पूरा फिट है, पूरा चल पा रहा है, देख पा रहा है। अभी आप यहाँ से जाने का उम्मीद मत करिए, यहाँ पे आप बैठिए, दीपक सर का साथ बैठिए, आपको और अच्छा और सीधा होना है आपको। तो सार का बाद में थोड़ा समय, सार को आप यहाँ मिल के, यहाँ में रह के, और यहाँ का लोग आपको कैसा लगा? हमको अच्छा लगा है, हमें सबसे मिलकर, अब सब मेरे लोग है, उन लोग से मिलजुल के रहता हूँ, उन लोग से बातचीत करके बैठता हूँ। आपको जब यहाँ में लेके आया है, आपको तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में लेके आया था, आप चल भी नहीं पा रहा था ना, तो आपको याद नहीं है शायद यहाँ पे लेके आने के लिए भी, लेकिन अभी आप चल पा रहा है। यहाँ पे जो हम लोग वो ट्राई किया है कि आपका फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए आपका कोई है क्या नहीं, लेकिन आपका कोई यहाँ पे फैमिली नहीं है, सगाली भी नहीं है। सगाली में तो मेरा कोई नहीं है, हम तो सर को भी बताया, हम तो सर को बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर को ना सर जैसे भगवान और दूसरे आदमी पहले तो आपको बहुत धन्यवाद मेरा दोस्त के ओर से, और मेरा जो सगाली का दोस्त लोग हैं जो हम लोग यहाँ पे लेके आए, दुर्गा को यहाँ पे लेके आए। तो जैसे आपको हमने लोग कॉल किया है कि ऐसा ऐसा कुछ व्यक्ति है, उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो सबसे पहले आपको कॉल करके हम लोग ने बोला, तो आप लोग भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि उनको ठीक है आप ये लेके आओ। तो थोड़ा सा सर आप बता दीजिए, दुर्गा आप यहाँ पे आके बहुत ठीक लग गया, तो उनका मेरा दोस्तों को भी हम अभी थोड़ा पहले फोटो मार के भेजा है, उनको मिल रहा है, बात कर रहा है बोल के, तो उन लोग भी काफ़ी खुश हुए सर। ओके ओके जी, ये दुर्गा का नाम को भी मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन आप एक सगाली एरिया में, हमारी यहाँ लोकलिटी में एक जाने माने पत्रकार है, और आप जब उनके बारे में मेरे मुझे जब फ़ोन किया, और मेरा एक ऐसा पेशेंट है, अबाउंडन है, तो आपको मैं लाने के लिए कहा, लेकिन आप लोग जो यहाँ लाने का लाते समय हालत तो आप लोग उम्मीद नहीं किया था, उम्मीद नहीं, जिंदा लाश में ही लाया था ना ये, यहाँ पे पूरा जो नाक में पूरा पाइप लगा के, तो एक्चुअली आप लोग यहाँ मरने देने के लिए लाया था, लेकिन अब उल्टा हो गया ना। तो ये चमत्कार है, मैं क्या बात नहीं कर रहा है, जैसे ऐसे जो कुचला हुआ, गया हुआ, गुजरा हुआ, तके हुए लोगों को साथ देना है आखिरी सांस तक। तो जैसे आप लोग यहाँ पहुँचाया और हम यहाँ जैसे उनका फिजिकल जो असिस्टेंट साथ देना चाहते दिया, और वो ट्रिप हो गया, चंगा हो गया, वो अपने से अभी चल फिर रहा है, खाना को भी आना जाना के खुद लेके खाता है, और आपको मैं तुरंत ऐसे वो जब रिकवर्ड होने के बाद आपको तो मैं बार बार फोन किया था आने को, आपका आदमी
चमत्कार हो गया, आपके आदमी जिंदा हो गया, जीवित हो गया। तो आप आएंगे आएंगे कहते कहते अब आज आ गया, बहुत बड़ा अच्छा लगा। और उनकी प्रति जो सेवा करना मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं कम से कम उनके लिए काम आए आप आया है, उसी में सौभाग्य महसूस करते हैं। और ये मेरा नया बात नहीं, ऐसे ही करके सेवा करता है। और आप लोग, मैं आपसे भी यही बोलना चाहेंगे कि आप मीडिया जो है मात्र अपने प्रोफेशन पर नहीं है, ऐसे जो वॉइसलेस लोगों के लिए वॉइस उठाना और उसके साथ आप यहाँ प्रैक्टिकली जो एक्शन में करके दिखाया, बातों से कर्म ही ज़्यादा पावरफुल होता है, एक्शंस स्पीक्स विज वात। सो आप यहाँ उनकी जान को बचाने के यहाँ पहुँचाया, ये भी बहुत बड़ा बात। तो जैसे कि हमने अभी दीपक सर से बात किया है, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी रेस्पॉन्स दिया है। जब मैंने और मेरे दोस्त ने जब एक राय लिया था कि हम एक उनका जो फैमिली नहीं मिलने के कारण से हमने दीपक सर को तक फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, उनका कोई फैमिली हमें नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उनका कॉल करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि ठीक है आप उनको लेके आओ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम उनको लेके आए थे, वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, पैरालाइज, कुछ भी नहीं कर पाता था वो। उनको हम लोग ने क्या कि एक कारपेट में उठा के लेके आके गाड़ी में लेके आके यहाँ पे छोड़ के गया, यानी कि वो मरा हुआ को हम लोग यहाँ पे छोड़ के गया है। लेकिन अभी उनको देखने को मिल रहा है कि जिंदा है, अभी वो ठीक तरह से चल पा रहा है और खा पी रहा है। तो मैं सबसे पहले तो दीपक सर को मैं ये कहूँगा कि मेरा हमारी जो सगाली की न्यूज़ की टीम से और जो हमारे दोस्त हैं उनके नाम से आपको बड़े दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा सर।